हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्कार, नमस्कारम गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल पे। गाइस, आज है ट्यूसडे 5 मार्च और अभी सुबह का बज रहा है 11:40। ये देखिए 12 बजने वाला है, 20 मिनट बाकी है और कितना बढ़िया हवा दे रहा है ना, मजा आ गया सही में। मैं तो खिड़की के पास हूँ, ये देखिए बाहर का नज़ारा देखिए, ये है नारियल का पेड़, देखिए ना पूरा हिल रहा है एकदम, मस्त हवा चल रहा है बाहर, वाओ, फुल एकदम नेचुरल एसी चल रहा है गाइस, मजा आ गया। मेरा हेयर का जो प्रॉब्लम है ना, इतना समय लग जाता है, कर्ली हेयर है देखिए ना, मैच ही नहीं होता है गाइस, हेयर कट करके भी फायदा नहीं हुआ है और कंघी भी लगा नहीं सकता, सीधा भी नहीं होता है। तो फिर चलिए गाइस, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं और अभी चलते हैं सीधे किचन के अंदर। मम्मी जी, क्या चल रहा है आज? ये क्या है माँ? पेपे। पेपे न पपैया, पपैया पपीता, हिंदी में पपीता और एसएमएस में है अमिता, अमिता पपीता और पपैया तीन तीन भाषा में मैंने बोल दिया है। और ये देखिए लाओ साग और ये धनिया। मंगलवार के दिन आज भोजन देखिए, ट्यूसडे स्पेशल। क्या बोला था तुमने? पेपे पेपे पेपे, हाँ बंगाली में पेपे बोलता है। और पपाया इन इंग्लिश, इन हिंदी पपीता, इन असमिश अमिता, सेम सेम है गाइस। हमारा भाषा कितना मिलता जुलता है देखिए, बहुत सिमिलर है। और इधर देखिए दीदी ने क्या कर रही है, पानी था दे। और ये देखिए मसाला रेडी हो चुका है, ये देखिए गार्लिक पेस्ट, जिंजर पेस्ट और ये है प्याज के पत्ते ना, ये क्या था? प्याज का पत्ता, प्याज का पत्ता मिक्स है, प्याज मिर्च और ये देखिए ये है करी पत्ता। और एसएमएस में नरोहिंगो बोलते हैं हम लोग, नरोहिंगो बोलते हैं एसएमएस में, लेकिन करी पत्ता बोलते हैं सभी लोग, करी पत्ता ही तो है। साउथ में तो बहुत खाते हैं इसको, अच्छा भी लगता है, खाना चाहिए, हेल्थ के लिए बहुत सही है। करी पत्ता, करी पत्ता नरोहिंगो पात, ये देखिए चटनी बन चुका है, सब कुछ रेडी है। और ये है पम्पकिन कद्दू, चलिए कद्दू नहीं बनाएगा आज। ओके, और ये देखिए बाप रे बाप कितना बड़ा पपैया है देखिए, ये तो पका है, इसको खाना पड़ेगा, बहुत मीठा होगा। कल हम लोग गाँव गए थे ना, गाँव से लेके आ गए, ये देखिए ये है, थोड़ा फट गया ना, ये खाना पड़ेगा जल्दी, नहीं तो खराब हो जाएगा। कितना बड़ा साइज है देखिए, चलिए मैं भी लेके देखती हूँ कितना वजन होगा, वेट कितना होगा, कम से कम एक के जी, एक के जी होगा कि नहीं? ये तुम्हारा आइडिया से एक के जी होगा गाइस, ये देखिए ना एक डेढ़ के जी होगा ना। पपैया देखिए कितना भरा है साइज में, गाँव की है, कल हम लोग गाँव गए थे ना, बहुत सारा है, ये देखिए ले लो ले लो ले लो, गिर जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, अभी क्या करना है, तेल डालना है। ओके, ये देखिए प्याज मिर्च फ्राई हो चुका है, और ये देखिए ये भी फ्राई हो गया ना, अभी बढ़िया से फ्राई हो चुका है। अभी यहाँ पे डालेंगे खार, खार जो बहुत ही फेमस है आसाम में, जो एसमिस ट्रेडिशनल फूड में ऐड करते हैं, जैसे कि माटी डाली, ब्लैक दाल में बहुत यूज करते हैं खार, अच्छा भी लगता है, खार खाना चाहिए। ये देखिए डाल दिया है लौ, ये है लौ की साग, घर की है गाइस, एकदम फ्रेश है, मजा आ गया, बहुत ही टेस्टी होता है खाने में, सही में बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। आज तो भेज होगा, मंगलवार के दिन है, ये देखिए काम चालू हो गया है। अभी पानी ऐड करना है थोड़ा सा, ये देखिए पानी डाल दिया है, यहाँ पे खार डाल चुका है ना, दे दिया है। वाह कितना सुंदर दिख रहा है ये सब्जी, साग ग्रीन है ना, ये देखिए ना
कलर देखिए ना, सो स्वीट यार, मजा आ गया। गर्म पानी है क्या दीदी? हमार माए की धुनिया के हाक बनाया से यार, साउक बहुत हाक खाए भल पाए। ये है हम लोग का एसामिस का ट्रेडिशनल खाना गाइस। साग तो हमेशा खाते हैं हम लोग आसाम में, क्योंकि अवेलेबल साग मिलता है, बहुत कुछ मिलता है आसाम में। क्या चाहिए आप लोगों को, सब कुछ मिल जाएगा। ये देखिए फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स, साग। माँ थोड़ा ऐसा इसमें बोल दो, मतलब आज मतलब जो बोल ये जो पका रही हो तुम, अमिता खार, मतलब पपैया के साथ खार मिक्स है, मजा लगी जाए। मजा हिंदी में तो मजा लगता है, मजा एसएमएस में मजा लगी जाए। बहुत ही सिमिलर है गाइस, एसएमएस हिंदी समझना चाहिए। और ये देखिए, और खार सही में हेल्थ के लिए बहुत सही है, पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, खाना चाहिए खार। और हम लोग आसाम से हूँ, एसएमएस आदमी हूँ, खार हम लोग को बहुत पसंद है गाइस। हो ही रहा है, रुकिए होता रहेगा धीरे धीरे। खार और पपीता सब्जी, ये देखिए पपैया, पपैया की सब्जी है। थोड़ा सा धनिया ऐड करना है, देखिए हिंदी में धनिया और एसामिस में धुनिया, हम लोग धुनिया बोलते हैं, सेम है गाइस, सेम है, एसामिस हिंदी सेम है, सिर्फ समझने से, हाँ समझने से सब सेम ही होता है गाइस। ये देखिए गल गया है, गल चुका है, और एसामिस में बोलेगा गोली गोल, गोली गोल, और हिंदी में गल चुका है, देखिए धुनिया धनिया सेम गाइस। वाह क्या स्मेल आ रहा है एकदम। और जो मैं खार खार बोल रहा हूँ तब से, ये देखिए खार, इसको ही खार बोलते हैं गाइस। सोडा की बोलती है, सोडा नहीं नहीं ऐसा मिश्र में तो खार है ना, ये हम लोग का फेवरेट है गाइस ना माँ, हमें ओखमे हमारे कारण तो बहुत फेवरेट है ना, सबे पसंद करे खार सब्जी। अलग कुआ अपने कैमरा चाहिए, खारे खारे देखी की बना भल लगे, क्या क्या अच्छा लगता है बोलो। माटी दली, हाँ ब्लैक दाल के साथ बहुत अच्छा लगता है। हाँ और ये ओमिता खार जो बन रहा है अभी, पपैया के साथ भी अच्छा होता है खार, है ना। मैंने इसे माटी दाली बहुत भल लगे खार खाए सके, बहुत अच्छा लगता है ब्लैक दाल के साथ, सही में मजा आ जाता है। हो गया ना, नहीं हो। अच्छा टाइम लगेगा। ये देखिए गाइस पपैया और खार की सब्जी हो चुका है, और कुछ नहीं ऐड नहीं करेगा ना माँ, नहीं कुछ भी तो नहीं होगा, ऐसे ही खाना है। ये देखिए गाइस हमारा आसाम का डिश है, लोकल डिश है, ये देखिए ऐसा मैं इसमें बोल देता हूँ एक बार, अमिता आरु खारो सब्जी, सब्जी है अमिता खार सब्जी, कुछ भी ऐड नहीं करना चाहिए ज्यादा, बस सिंपल सब्जी है गाइस, ज्यादा झमेला नहीं है, अदरक और जो जिंजर है उसको जा पेस्ट करो, बस ऐड करो यहाँ पे, और धनिया अगर ऐड करना है धनिया को भी ऐड कर सकते हो बढ़िया से। ये देखिए इजी प्रोसेस है, ज्यादा झमेला नहीं है, और बहुत ही पसंदीदा सब्जी ये आसाम में, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा कभी। स्मेल आ रहा है एकदम, मजा आ गया। सिंपल खाना होगा, ट्यूजडे है, वेज है, लेकिन मजा आएगा आपसे एकदम, बढ़िया बढ़िया खाना, एकदम ट्रेडिशनल खाना है आपसे। हो गया। और ऐसा मिस में सब्जी को सब्जी बोलते हैं, सब्जी हिंदी में सब्जी, सब्जी सब्जी सेम एग राइस, हो गया है, होगोल मीन्स मीन्स होगोल मीन्स हो गया है, टाटा बाय बाय। अभी नेक्स्ट क्या आएगा,
गाइस अभी नेक्स्ट बनने जा रहा है, क्या बनेगा मम्मी जी? सोयाबीन। सोयाबीन आलू के साथ। ओहो, ये देखिए रेडी हो चुका है, कढ़ाई गरम हो रहा है। और ये देखिए आलू क्यों दिया है माँ, आलू नहीं चाहिए था रे। आई डोंट वॉन्ट टू ईट आलू, आई डोंट वॉन्ट टू ईट पोटेटो टूडे। नहीं देगा? नो। ओए गिरेगा गिरेगा गिरेगा। और ये राइस आ गया, देखिए रेडी हो चुका है राइस। वही बोल रहा माँ, लॉन्ग लॉन्ग थोड़ा सा लाल लाल हो गया है, थोड़ा लाल लाल होने से खाने का जो मजा होता है वो अलग ही अलग ही सुकून मिलता है। सही में बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। होई गोल मतलब हो गया है, रोंगा मिर्च लाल हो गया है। इन एसमिस वी से रोंगा, और राइस को चावल को भात बोलते हैं गाइस एसमिस में। एसमिस बंगाली बहुत ही मिलता जुलता है गाइस, भात बोलते हैं हम लोग, चावल नहीं बोलते आसाम में। वी लव टू ईट भात, सब्जी, दाली, दाल को दाली बोलते हैं। और ये देखिए वही गया, बन गया कंप्लीट। ये देखिए रेडी हो गया है आवर फेवरेट सोयाबीन फ्राई। गाइस हमारा खाना रेडी हो चुका है, ये देखिए आ गया है गर्मा गर्म लंच। और ये है पपैया, खार की सब्जी है, ओमिटा और खारोर सब्जी। और ये है लौकी साग, और ये है सोयाबीन फ्राई, डिलीशियस सोयाबीन फ्राई है। वाह, अभी शुरू करते हैं खाना गाइस, चलिए शुरू करते हैं अभी खाना। और आज का स्पेशल देखिए पपीता और खार की सब्जी, इन एसामिस वी से ओमिटा और खारोर सब्जी। एंड वी एसामिस पीपल वी लव टू ईट खार, हम लोग बहुत शौक से खाते हैं खार। वी लव टू ईट ईच एंड एवरी खार सब्जी। और ये देखिए लौकी साग, एंड ये है डिलीशियस सोयाबीन। सो अभी चलते हैं शुरू करते हैं खाना, चलिए। सो गाइस ये देखिए खाना ले लिया है मैंने, अभी ट्राई करना है। लेट्स ट्राई नाउ। मजा लगिल, मजा इन एसामिस वी से मजा लगिल, इन हिंदी मजा आ गया। वाओ बहुत मीठा है पपाया, सही में बहुत ही स्वीट है। एंड दिस इज आवर लव हाक, इन असमिस वी से हाक, इन हिंदी साक, इट साउंड सिमिलर। सो नाइस यार, यम्मी। गाइस हमारा लंच कंप्लीट हो चुका है, और सही में बहुत ही अच्छा लगा है खाके। और जो पपीता और खार की सब्जी था ना, बहुत ही ज्यादा टेस्टी हुआ है। इन एसामिस वी से ओमिटा और खारोर सब्जी, एंड वी एसामिस पीपल वी लव टू ईट खार ऑलवेज, है कि नहीं मां? आमी खार खाई ভাল পাও না নাই বসু ভাল পাও। हमारा फेवरेट है खार, क्योंकि बहुत ही हेल्दी है, खार खाना चाहिए और बहुत ही शरीर के लिए बहुत अच्छा है। और सही में बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही टेस्टी पाया तुमने। थैंक यू माय स्वीट मॉम, बहुत ही अच्छा से खाना पका लेती है, जैसे कि असमिस ट्रेडिशनल फूड, बोडो ट्रेडिशनल फूड होती है ना, बहुत ही अच्छा पका लेती है मम्मी, है कि नहीं? जी जी। तो फिर चलेगा, अभी विदाई लेने का समय आ गया, तो आज का ब्लॉग यही एंड करते हैं। तो फिर से मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय गाइस, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।